एक पीजीआई दे डॉक्टर दे नाल 62 लाख दी ठगी दा नवा मामला सामने आया। दस दिए कि इस डॉक्टर दे नाल ऑनलाइन ठगी वजी। ए ठगी नाइजीरियन ने ऑनलाइन ईमेल दे जरिए मारी। दस दिए कि ए ठग अपनियां गल्लां दे विच ला के लोकां नूं शिकार बनाउंदे ने। तां पुलिस ने इस मामले दे विच एक नाइजीरियन नूं काबू किया। मामला हरियाणे दे रोहतक तों सामने आया। दस दिए कि महिला बन के इन्हां ठगां ने ऑनलाइन डॉक्टर दे नाल गलबात कीती। ठगी बनी महिला ने डॉक्टर नूं दस्या कि ओह यूके दी इक बैंक दे विच काम करदी है। बकायदा उसने अपनी आईडी भी डॉक्टर नूं मेल कर दिती। हौली हौली डॉक्टर नूं भरोसे दे विच लिया ते 62 लख दी ठगी नूं अंजाम दिता। दस दिए कि इस ठग दे वल्लों अपनी एक गैंग नूं चलाया जा रहा सी, जिस दे वल्लों बड़े ही शातर ढंग दे नाल आम लोकां नूं ठगिया जा रहा। तां सुनो किस तरीके दे नाल पीजीआई दे डॉक्टर नूं झांसे दे विच लै के इन्हां ठगां दे वल्लों ठगी मारी गई और केड़ियां गल्लां करके और किस तरीके दे नाल पूरी प्रक्रिया समझो किस तरीके दे नाल ऑनलाइन ठगी 62 लाख दी इक डॉक्टर दे नाल वजी। ये शिकायत एक बीएमएस डॉक्टर हैं अपने पीजीआई में, उनके साथ ईमेल पे चैट करके उनको 2.8 मिलियन डॉलर का लालच दिया गया था कि भाई किसी क्लाइंट के पैसे यूके के बैंक में फ्रीज है और अगर आप कुछ स्टेप फॉलो करोगे तो ये 2.8 मिलियन डॉलर हम आपके फेवर में आपके खाते में डलवा सकते हैं। तो टोटल कन्वर्सेशन ईमेल के माध्यम से हुई थी और इसमें करीब 62 लाख रुपये विक्टिम के गए हुए हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने बॉम्बे से एक नाइजीरियन व्यक्ति को अरेस्ट किया था, जिसको पुलिस रिमांड पे लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया कि इनका जो मेन बंदा है पोल नाम का, वो नाइजीरिया में है और वो इंडिया में यहाँ रह के जो पैसा है इंडियन अकाउंट्स के माध्यम से प्राप्त हुआ है उनको, उस पैसे को डॉलर में या किसी अन्य माध्यम से एक्सचेंज करके वो नाइजीरिया भेजता है और अपना कमीशन यहाँ पे रख लेता है। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक हमने करीब 4,12,000 रुपये अभी तक रिकवर किए हैं और बाकी की इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उसके दौरान हम कोशिश करेंगे कि भी मैक्सिमम पैसा विक्टिम को वापस करवाया जाए। इस तरह का ठगी का पहला मामला है? नहीं, ये ईमेल के माध्यम से इस तरह का जो बैंक में किसी मरे हुए व्यक्ति के अकाउंट का नाम से कि भाई कोई आदमी एक्सपायर हो गया है उसके अकाउंट में पैसा पड़ा है हम वो आपको दिलवा देंगे, इस तरह का पहला फ्रॉड का मामला हमारे पास आया है। देखिये जो सबसे मैक्सिमम आज के दिन ठगी का शिकार पढ़े लिखे लोग हैं वो है वर्क फ्रॉम होम के नाम से। आपके पास इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या अन्य फेसबुक के ऊपर वर्क फ्रॉम होम के नाम से मैसेज आते हैं और स्टार्टिंग में वो कुछ पैसा आपको रिटर्न भी कर देंगे, आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा, लेकिन बाद में जब वो टास्क देंगे आपको 10 टास्क 20 या 30 टास्क, तो वो कहेंगे जब तक आप लास्ट टास्क तक पूरा नहीं करोगे तब तक आपका पैसा विड्रॉल नहीं हो सकता और वही उनका पूरा इसको अपने के झांसा दे के कैश लेने का माध्यम बनता है। तो इस तरह के ठगी के मामले बढ़ रहे हैं सर लगातार? हाँ, टास्क के मामले बढ़े हुए हैं। इसमें किसी तरह का कोई लिंक या कोई और चीज़ ऐसे नहीं कि फ़ोन ने कोई हैक कर लिया, कोई लिंक भेज दिया या कोई ओटीपी शेयर हुआ, ये मतलब लोग सामने वाले लोग को झांसे में इस तरह देते हैं, लोग खुद अपनी मर्जी से पैसा डलवा रहे हैं इसमें। ऐप्स डाउनलोड करके भी होती है, जो फर्जी ऐप है लोन ऐप है वो लोन ऐप के थ्रू आपके फोन को इंस्टॉल, जैसे लोन ऐप इंस्टॉल होगी उसमें आपको अलाउ करवाएंगे 2-3 बार, फिर उनके पास आपके पूरे फोन का एक्सेस चला जाता है, फिर वो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट होगे उनके पास आपके फोटो को मॉर्फ करके वो अलग अलग तरह के मैसेज भेजते हैं, वो ब्लैकमेलिंग टाइप है, एक तरह से एक्सट्रोशन मनी है। तो ये भी मैं बताना चाहूँगा कि भाई आप किसी भी तरह की ऐप को इंस्टॉल ना करें जब तक वो ऑथेंटिकेट ना हो। और कॉल से भी हो रहा है? नहीं, कॉल से तो लोगों को वो कन्विंस कर रहे हैं, सामने से बंदा कॉल करके नॉन पर्सन बन के या आपके बच्चों के पास पापा बन के, भाई आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, आपके भैया का दोस्त बोल रहा हूँ, वो उस तरह से कन्विंस करते हैं। तो अलग अलग तरह के हथकंडे लोग मतलब ठगी के लिए अपना रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई किसी भी तरह की कॉल के ऊपर अगर पैसे की कोई डिमांड होती है, कोई मनी ट्रांजेक्शन होती है, जब तक सामने वाले बंदे से आप बातचीत करके ये क्रॉस चेक न कर लें कि भाई सामने वाला बंदा जेन्युइन है
और उसी को पेमेंट मैं कर रहा हूँ, तब तक आप पैसा न भेजें।